हे hey फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा प्लैनेट व्लॉग। और सभी को मेरा नमस्ते, हाय, हेलो। आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है बेसिक्स कार ड्राइविंग पे, और या कार कार के बेसिक्स कह लो आप। तो आज मैं उसी पे बनाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे काफी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ कार पे ही या कार ड्राइविंग पे मैं अपने व्लॉग्स बनाऊं। तो वो तो मैं बनाऊंगी। तो मैं सोचू कि एक सीरीज, मैं कार ड्राइविंग पे एक मैं सीरीज स्टार्ट कर दूं। तो बीच बीच में एक्चुअली मेरे दूसरे व्लॉग्स भी आते रहेंगे, सिर्फ एक कार ड्राइविंग के व्लॉग्स नहीं आएंगे। बीच में मैं दूसरे व्लॉग्स भी डालूंगी, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग चैनल है वही, ड्राइविंग नहीं है चैनल। तो मैं दूसरे भी व्लॉग डालूंगी, और कार के तो मैं डालूंगी ही डालूंगी। कार तो मैं सोचू एक सीरीज बना दूं उसके ऊपर, है ना। और उसके उससे पहले सबको, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि इतना इतना ज्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, लव देने के लिए, और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक यू दिल से, थैंक यू सो मच। और आई होप कि आगे भी आप ऐसे ही मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और एक है मेरे सब्सक्राइबर है एक हरीश जी, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि उन्होंने ये लिखा मैसेज में कि उन्होंने उनका कुछ ड्राइविंग टेस्ट था कल परसों में, तो उन्होंने थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे दिया है। थैंक यू सो मच उसके लिए, और ऐसे ही प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। कि चलो कुछ तो देख करके यार मेरे व्यूअर्स कुछ तो सीख रहे हैं। बट हाँ, ड्राइविंग जो है, मैं आपको बता देती हूँ कि ड्राइविंग एक ऐसी चीज है जो आप ड्राइव करके ही सीख सकते हो। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के थ्रू, किसी ब्लॉग के थ्रू आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते हो। ये जस्ट आपका एक होता है ना, जो यूट्यूब की जो वीडियोज होती है, जो कार ड्राइविंग की जो वीडियोज होती है, ये एक सप्लीमेंट का काम करती है आपको, ठीक है। तो आप सिर्फ आपको ये बेसिक्स बताती है, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको, जो लर्निंग, जो ये क्लासेस वाले जो होते हैं, ड्राइविंग क्लासेस वाले, वो आपको काफी चीजें हैं कि वो आपको नहीं बता पाते। हाँ, आपको स्टेयरिंग संभालना, आपको गियर डालना, वो आपको आ जाता है, बट आप पूरी तरह से आप उससे भी नहीं सीख पाते हो। वो आप खुद ही सीख पाओगे जब आपके हाथ में गाड़ी होगी। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करती हूँ कि आप गाड़ी तभी सीखना, ड्राइविंग क्लासेस आप तभी सीखना जब आपके घर में आपके पास गाड़ी हो, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर में गाड़ी नहीं होती है और वो ड्राइविंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ड्राइविंग क्लासेस लेना ना लेना वो बराबर होता है, क्योंकि आपके पास अगर सपोज गाड़ी नहीं है, तो घर में गाड़ी नहीं है तो आप प्रैक्टिस किस पे करोगे? जब आप सुबह में, आप शाम में, दोपहर में, कभी भी, आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, कभी भी आप ड्राइविंग क्लासेस लेते हो, स्टार्ट करते हो लेना, तो आपको प्रैक्टिस भी चाहिए भी उसके साथ साथ। आप सिर्फ एक क्लासेस लेकर के आप गाड़ी चलाना नहीं सीखते हो, उसके बाद आपको चाहिए कि घर में आकर के आप उसको प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास कार है तो फालतू में ड्राइविंग क्लासेस लेने का कोई मतलब नहीं है, अंटिल आपके पास में गाड़ी हो ना हो, ठीक है। वो आपके पास होनी जरूरी है गाड़ी, और वो आपको सिर्फ बेसिक्स बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना चाहिए उनसे, बेसिक बताने का मतलब है कि आप बहुत कुछ सीख जाते हो जब आपके हाथ में जब स्टीयरिंग आता है, ठीक है, गियर आप लगाना सीख जाते हो। वो एक बेसिक होता है, वो आपको आना ही चाहिए ड्राइविंग क्लास के, और वो क्लासेस के थ्रू ही आता है। कुछ लोग होते हैं कि आप अपने दोस्तों के थ्रू सीख लेते हैं, वो भी ठीक है, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको क्या है, बेसिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत जरूरी है गाड़ी सीखने के लिए। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी सीट एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग, कि आपको कितनी आगे रखनी है और कितनी पीछे रखनी है, कितनी बैक रखनी है। बट स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं, वो प्लीज़ अपनी सीट थोड़ा आगे ही रखना, ठीक है। पीछे लेट करके मत चलाना। तो बिगनर्स, आप अपना सीट थोड़ा सा एडजस्ट कर लें पहले। मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं अपनी सीट जो है वो पीछे करके ही चलाती हूँ। और ये है मेरी कार, मैनुअल कार है ये, और की से स्टार्ट करने वाली नहीं है, इसका बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये कार स्टार्ट हो जाएगी। और क्रूज कंट्रोल वाला स्टेयरिंग है इसका। देखो, ये बेसिक चीज है, गाड़ी स्टार्ट करना, इंजन, आई मीन गाड़ी या इंजन स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ठीक है। किसी किसी में ये पुश
पुश बटन होता है, जैसे मेरी गाड़ी में ये पुश बटन है और किसी किसी में यहाँ पे की होती है चाबी, ठीक है। तो मैं चाबी से नहीं सिखा सकती क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है, चाबी वाली कार नहीं है, की वाली। तो मैं आपको ये पुश बटन का आपको मैं बता देती हूँ, आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी एक्टिव मोड में आ जाती है। और जब यहाँ पर आएगा ये आ गई यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट, ठीक है, ऑरेंज या येलो आप कुछ भी कह लो, जो भी आपको दिख रहा हो वीडियो में। और इसका जब मैं दोबारा प्रेस करूंगी तो ये गाड़ी होगी है स्टार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। प्रेस क्लच टू स्टार्ट द इंजन। तो ये अभी गाड़ी अभी जो है ये सिर्फ गाड़ी स्टार्ट हुई है, अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये गाड़ी तभी स्टार्ट होगी जब मैं क्लच दबा करके इंजन का बटन प्रेस करूंगी। आपको आवाज आई होगी मेरी गाड़ी में, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, आई मीन जो इंजन है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा आप देखो क्या है ना, बिगनर्स जो है क्या मिस्टेक करते हैं जनरली कि ये जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट गियर में जो डालते हैं गाड़ी, तब उनकी गाड़ी सडनली बंद हो जाती है, ठीक है। जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनकी गाड़ी सडनली बंद हो जाती है, वो नहीं करना। आपको पैर हल्का सा क्लच से धीरे धीरे उठाने, एकदम से पैर नहीं उठाना क्लच से, बहुत हल्का हल्का आप पैर उठाएंगे तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, एकदम से छोड़ दोगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अच्छा काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके टायर सीधे हैं या नहीं है। सपोज आपका ये एकदम स्टेयरिंग एकदम आपका सीधा है तो आपके टायर एकदम सीधे हैं और आप पूरा एकदम राइट में घुमाओगे तो आपके जो टायर हैं वो राइट में घूमेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ये देखना टायर्स, टायर देखो मैंने राइट में इसको हैंडल घुमाया है, इसका जो स्टेयरिंग है वो मैं इसे घुमा रही हूँ, तो ये जो टायर्स हैं ये मूव हो रहे हैं राइट की तरफ, फाइन। और आपका स्टेयरिंग एकदम सीधा है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपका सीधा कैसे रहता है स्टेयरिंग, तो इट मीन्स आपके स्ट्रेट हैं सारे टायर्स। आपको पूरा लेफ्ट में घुमाओगे तो आपके जो टायर्स हैं वो पूरे लेफ्ट की तरफ जाएंगे। कितना काटना है वो आपको सीखना पड़ेगा जब आप ड्राइविंग सीखते हो, जब आप उसके बाद प्रैक्टिस भी करते हो तो ये सब चीजें आपको तब सीखने को मिलेंगी। मीन्स आपका ये टायर, ये अब आपका है सीधा, ठीक है, टायर एकदम सीधे। और उसके बाद आता है आपका आउटर रियर व्यू मिरर राइट हैंड साइड का, ये आपको अपने सीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि आपको पीछे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इस मिरर में से। अगर सपोज पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और आपको राइट टर्न लेना है तो आपको देख करके फिर राइट टर्न लेना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। उसके बाद आ जाता है IRM इंटरनल रियर व्यू मिरर, ये आपका काम आता है जब आपको ब्रेक लगानी हो पीछे से, सपोज कोई गाड़ी आ रही है तो आपको पहले देखना है पीछे से कोई सडनली गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसके बाद आपको ब्रेक मारना है। सडनली मारोगे आप बिना देखे तो आपको वो पीछे वाली गाड़ी आपको ठुक भी सकती है, ठीक है, तो उसमें आपका भी नुकसान होगा और पीछे वाली गाड़ी का भी नुकसान होता है। तो ये मिरर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंडिकेटर का ध्यान देना, लेफ्ट या राइट लेते वक्त प्रॉपर इंडिकेटर देना। तो ये जो साइड के जो मिरर्स होते हैं ये आपको बहुत, ये आपके बहुत काम आते हैं, चाहे आपका लेफ्ट आउटर लेफ्ट मिरर हो या आउटर राइट मिरर हो। तो ये गाड़ी के बेसिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त। और सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीट जब आप बिगिनर हैं आप लर्निंग ले रहे हैं आप गाड़ी सीख रहे हो, ठीक है, तो सीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप सीट पहले एडजस्ट करो, अपनी सीट अच्छे से देखो, अच्छे से एडजस्ट करो कि आपके पैर अच्छे से क्लच ब्रेक और जो एक्सीलेटर है रेस जो है उस पे आपका पैर पहुंच रहा है, उस पे आप अच्छे से रीच हो रहे हो या नहीं। नीचे आपका ये, और ये होता है आपका नीचे सीट एडजस्ट करने के लिए, यहीं पर ही सबसे ये होता है आपका फ्रंट में, सीट को आगे ले जाना या सीट को एकदम पीछे ले जाना, ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं सीट अपनी अकॉर्डिंग अपने आगे कर लेती हूँ कि मैंने को सीट कितनी आगे रखनी है, ठीक है। मुझे होगी प्रैक्टिस, मुझे कुछ छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, मेरे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं आराम से अपना गाड़ी एकदम, होता ना किसी किसी की आदत होती है लेट करके गाड़ी चलाना, तो वो आदत मेरी है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर के फिर मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ। लेकिन जो, और ये सिर्फ वो ही ड्राइव कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने में, और बिगिनर्स प्लीज ये लेट करके गाड़ी नहीं चलाना।
गाड़ी मामी जो आपकी जो सीट है ये एकदम बैक नहीं होनी चाहिए, आपकी सीट आप अच्छे से सब कुछ देख सकूं। हालांकि आप जो बोनट है गाड़ी का, जो बोनट है कार का जो बोनट है वो आप नहीं देख सकते, ठीक है, चाहे आपकी वो एसयूवी गाड़ी हो या आपकी छोटी गाड़ी होती है। हाँ आपको छोटी गाड़ी में ये है कि छोटी गाड़ी में आपको रोड जरूर नजर आ जाती है आगे की कितना स्पेस है आपका, बट सिडान है या इस तरह की जो हैचबैक गाड़ी है इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका आगे कितना स्पेस बच रहा है, आगे आपको कहीं पार्किंग करनी है या आप कहीं रोड पे चला रहे हो तो आपको कितना स्पेस रखना है, ये आपको गाड़ी चलाते चलाते ही आएगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप छोटी गाड़ी में ही ड्राइविंग क्लासेस लेना, ठीक है, वो आपको आपका एकदम जो व्यू है वो एकदम क्लियर कर देती है कि आपको कितना गैप बना करके आपको चलना चाहिए। और क्योंकि कोई भी गाड़ी ले लो यार, वाइपर के अलावा आपको कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है, जब जो आगे के जो वाइपर होते हैं इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये आप सिर्फ एक होता ना एक अंदाजा, एक इमेजिन करना कि आप कितना आपको गैप रख करके आप गाड़ी चलानी है सामने वाले से, और कितना जो आप गाड़ी पार्क करोगे सामने अगर वॉल है तो आपको उसमें कितना आपको गैप रखना है वो आपको अंदाजा तभी आएगा जब आप गाड़ी ड्राइव करना सीख जाओगे अच्छे से। जैसे आप हैंड ब्रेक नीचे करोगे आपका जो लेग है आपका ब्रेक पे होना चाहिए, लेग ब्रेक पे होना चाहिए जैसे आप हैंड ब्रेक डाउन करोगे। और गियर का क्या इशू आता है, जो न्यू बिगनर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको गियर चेंज करना होता है, पहले वो गियर की तरफ देखेंगे फिर आगे देखेंगे, ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी मत करना आगे जाकर के, ये आप पहले ही प्रैक्टिस करना ग्राउंड में कि आपको कैसे गियर चेंज करना है बिना देखे, सडनली स्मूथली आपको कैसे ब्रेक गियर चेंज करना है वो आप अपना एकदम प्रैक्टिस में रखना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी कि फर्स्ट गियर पे आपको कितनी जल्दी लाना है और सडनली आपको सेकंड गियर पे कितनी फास्ट लाना है, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, रिवर्स। रिवर्स तो खैर आप जब गाड़ी रोकते हो पार्किंग में, पार्किंग करते हो कहीं पर तभी आपका रिवर्स काम आता है, अदरवाइज आपका मेन जो गियर है वो फर्स्ट टू फिफ्थ है, ओके। और उसके बाद आता है आपका फॉग हटाने का, सपोज बारिश होती है या ठंड होती है उसमें आपकी गाड़ी के अंदर फॉग जम जाती है, तो ये आपको सिर्फ ये एक ही स्विच ऑन करना है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैं फेस करती थी पहले। तो आपको हम क्या करते थे, ब्लोवर चला देते थे, ठीक है, कभी एसी का हम लोग एकदम उसका टेम्परेचर हाई कर देते तो फॉग हट जाती थी, वो सब नहीं करना है। तो ये अलग से ही ऑप्शन आते हैं, आप जैसे एक ही बटन आपको प्रेस करना है और आपकी फॉग हट जाएगी, और वो है आपका रियर का, सेम रियर भी आपका ऐसे ही है, दोनों बटन आप प्रेस करोगे तो आपका फॉग हटनी शुरू हो जाएगी, आपको और कुछ बटन नहीं छेड़ना, फॉग के लिए एक अलग ही बटन बनाया गया है, ठीक है, बाकी ये एसी वगैरह ये तो बहुत कॉमन है, ये सब जानती होंगे। और देखो और क्या चीज़ है, न्यू ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा फियर रहता है, उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं, क्यों, क्योंकि वो रोड पे तो आ जाते हैं, उन्होंने ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं करी होती है, तो मेनली आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करो, कमांड देखो कि कमांड्स कैसे लेनी है, क्लच कैसे प्रेस करना है, ब्रेक कैसे प्रेस करनी है, एक्सीलेटर कितना लेना है, तो आप पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। सडनली आपको सिर्फ सर्कल सर्कल नहीं घुमाना, एकदम गियर फर्स्ट गियर में डाल दिया, सेकंड गियर में डाल दिया, फिर आप एकदम गोल गोल गाड़ी घुमा रहे हो अपनी, सर्कल सर्कल घुमा रहे हो गाड़ी, वैसे नहीं करना। आप अपना वो लगाओ कि आप ग्राउंड पे ना एट बना लो, उसके अकॉर्डिंग आप एट के अकॉर्डिंग आप जैसे अपनी गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपको अपनी कमांड बहुत अच्छे से आ जाएगी। थोड़ा सा यू नो क्लच दबा करके गियर दबाओ, फिर हल्का सा ब्रेक दबाओ ग्राउंड लेवल पे, फिर क्लच दबाओ, फिर हल्का सा एक्सीलेटर दो, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करना। अब गाड़ी मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जा करके दिखाती हूँ, मैंने गाड़ी कर दी है स्टार्ट, फर्स्ट गियर जैसे डाला हल्का सा, जैसे बिल्कुल धीरे धीरे से पैर आप क्लच से उठाओगे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथली आगे जाती है, आपको एक्सीलेटर पैर रखने की भी जरूरत नहीं है। फिर मैं रिवर्स ले लेती हूँ, ये मैंने ले लिया है रिवर्स, बहुत स्लोली, बहुत एकदम से झटके से आपको पैर नहीं हटाना क्लच से, बहुत स्लोली स्लोली। अब मैं गाड़ी खोल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने थोड़ा क्लोजर मैं आपको करके दिखाती हूँ, मेरा सिर्फ क्लच और ब्रेक पे ही पैर रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, आप देखना क्लच मैंने दबाया, ठीक है, फर्स्ट गियर मैंने यहाँ पर लगाया, जैसे मैंने फर्स्ट गियर लगाया वैसे मैंने हल्का हल्का अपना पैर क्लच से उठाया, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्मूथली गाड़ी आगे जाती है, बहुत स्मूथली, एक्सीलेटर पे आपको पैर रखने की जरूरत भी नहीं होती है स्टार्टिंग में, मेरा सिर्फ क्लच और ब्रेक पे ही पैर है, आप लोग देखोगे। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, जो कि आज मैंने बेसिक कार ड्राइविंग के ऊपर मैंने अपना आज का व्लॉग रखा था मैंने, तो मुझे
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग और क्या देखना चाहते हो। तो जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको आज के ब्लॉग में बताई हैं और मेरे लास्ट ब्लॉग में जो मैंने आपको बताई हैं, जो कि मैं आज तक बताती आ रही हूँ, उन चीजों को प्लीज ध्यान में रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को जैसे आपने अभी तक करते आए हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को मुझे, और बस आप लोगों की कृपा बनी रहे सबकी। और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या मेरे ब्लॉग में कार ड्राइविंग से रिलेटेड आपको और क्या चीजें देखनी है। ठीक है, कोई टास्क मत देना यार प्लीज क्योंकि एक टास्क देना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखो मैं जो भी आप लोगों को सिखाऊं ना, मैं ये चाहती हूँ कि सेफली सबको सिखाऊं, मैं कोई टशन वाली चीजें ना सिखाऊं आप लोगों को जिससे आपको आगे जाकर के दिक्कत हो, आप लोग कुछ भी ऐसी खुराफाती चीजें करें, तो वो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी अपने ब्लॉग में। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सेफ ड्राइव करो, क्योंकि जब आप रोड पे चलते हो तो यार दूसरे भी चलते हैं रोड पे, और उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है और अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी आप रोड पे निकालिए ताकि दूसरों को भी दिक्कत ना हो। और तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग मेरा कौन सा होगा, वो मैं सोचूंगी कि कौन सा बनाना है। हाँ, कार ड्राइविंग के ऊपर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखूंगी इन फ्यूचर भी। और तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और सेफ ड्राइव करिएगा। बाय बाय।